जब तुमने सवेरा चुना है तो तुम्हारे हिस्से में शाम आ ही कैसे सकती है। जब तुमने कामयाबी चुनी है तो नाकामयाबी तुम्हारे हिस्से कैसे आ सकती है। जब तुमने सफलता चुनी है तो असफलता तुम्हारे रास्ते पर कैसे आ सकती है। तुम्हारे रास्ते पर वो चीज़ें आ ही नहीं सकती जो तुमने चुनी ही नहीं है। तुम उत्साह से भरे होते हो, तुम उत्साह से ओतप्रोत होते हो। तो जब इतने सारे उत्साह तुम्हारे हिस्से हैं तो फिर हतोत्साह तो तुम हो ही नहीं सकते। तुम उदास नहीं हो सकते, तुम निराश नहीं हो सकते, तुम चिंताओं से घिरे नहीं हो सकते हो, क्योंकि चिंताएं तुम्हारे लिए नहीं हैं। चिंताओं को दूर करना ये तुम्हारी असलियत है। तुम चिंताओं को अपने से बहुत दूर रखते हो। कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, तुम उन परेशानियों को अपने आसपास भटकने भी नहीं देते हो। तुम उन परेशानियों से परे एक समाधान ढूंढते हो। जब तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है, जब तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा है, तो तुम्हें निराश होने का हक भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम परेशान रहो। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम चिंतित रहो। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम रोते रहो। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम अपनी चिंताओं में इतने डूब जाओ कि तुम्हें अपनी खुशियों की खबर ही ना हो। क्योंकि तुम खुशियों को ढूंढते हो तो खुशियाँ तुम्हारे हिस्से आती हैं। तुम कामयाबी को ढूंढते हो इसलिए सफलता तुम्हारे हिस्से आती है। मैं तुम्हें यूं ही नहीं कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो प्यार यूं ही नहीं करता हूँ। मुझे तुम में मेरा बच्चा दिखाई देता है। मुझे तुम में वो बच्चा दिखाई देता है जो किसी भी हद तक कुछ भी कर सकता है अपने आप को सफल बनाने के लिए। इसलिए तो तुम इतने प्यारे हो, और तुम्हारी सफलता ज़्यादा दूर नहीं है। तुम देखते बस जाओ, खुश रहो, सदा खुश रहो।